गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए 6000 किलोमीटर की मैराथन दौड़ लगा रही हैं सूफिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए 6000 किलोमीटर की मैराथन दौड़ पूरी करने के लिए राजस्थान की सूफिया दौड़ लगा रही हैं। भारत को एकता के सूत्र में बांधने, भाईचारे बनाए रखने के लिए सूफिया दौड़ लगा रही हैं। सूफिया ने दिल्ली से दौड़ शुरू की है और कोलकाता, चेन्नई और मुंबई की दौड़ पूरी कर दिल्ली में सूफिया की दौड़ समाप्त होगी। अपनी मैराथन दौड़ को पूरी करते हुए सूफिया आज कौशाम्बी पहुंची। प्रतिदिन 50 किलोमीटर की दौड़ लगाते हुए सूफिया ने कौशाम्बी में क्षणिक विश्राम किया। कौशाम्बी से होते हुए प्रयागराज के लिए सूफिया लगातार दौड़ लगा रही हैं। सूफिया ने अपने विश्राम के दौरान बताया कि वह भारत में भाईचारे को बनाए रखने के लिए 4 मेट्रो सिटी को कवर करेंगी और दिल्ली में वापस इस दौड़ को समाप्त करेंगी। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व पिछले साल वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ी थी। खबर जगत प्रयागराज से एलन सिंह की रिपोर्ट। मैंने ये दौड़ स्टार्ट की थी 8 फरवरी को इंडिया गेट से, और ये दौड़ है इंडियन गोल्डन ग्लैडिएटर, जो कि 4 मेट्रो सिटीज़ को कवर करता है, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। ये 6000 किलोमीटर की दूरी मुझे पूरी करनी है। और इस रन का मकसद है रन फॉर होप। यहाँ होप को मैंने डिफाइन किया है ह्यूमैनिटी, वननेस, पीस और इक्वेलिटी। हमारे देश में, हमारे समाज में मानवता, भाईचारा जैसी मॉरल वैल्यूज को स्प्रेड करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए मैं रनिंग करती हूँ। और अभी पिछले साल ही मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी रन किया था, वो भी इसी उद्देश्य को लेकर था, और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था, और ये भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। तो मैं अपने, जो हमारा इंडिया है, हमारी कंट्री है, उसको मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। और ये जो इंसानियत और भाईचारे की मॉरल वैल्यूज़ की जो देश के कोने में जा जा के प्रमोट करना चाहती हूँ। तो मेरा जनता